राबड़ी आवास के बाहर भोला बाबू के समर्थकों का हंगामा, टिकट दो नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे का लगा रहे नारा। पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा, सुशांत सुसाइड मामले की हो रही जांच, दोषी आएंगे सामने। तेजस्वी यादव लगातार खेल रहे अग्रा कार्ड, अब पूर्व सांसद बाहुबली रामा सिंह को राजद में कराएंगे सामने। विधान परिषद की बिसात पर चली जा रही है विधानसभा की चालें, तेजस्वी को सेट करने के लिए लालू खेल रहे कास्ट पॉलिटिक्स। अब खबरें विस्तार से। एमएलसी चुनाव से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है, अब राजद में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। राघोपुर की पूर्व विधायक के कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर हंगामा किया है। राजद के कार्यकर्ताओं की बस एक ही डिमांड है कि भोला बाबू को ही एमएलसी का टिकट दिया जाए। समर्थकों ने हंगामा करते हुए कहा कि उन्हें टिकट दो नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे। राघोपुर के पूर्व विधायक उदय नारायण और तो भोला बाबू के समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर सीतामढ़ी भोला बाबू जिंदाबाद कर सरेआम कत्ल, लोगों ने घेर कर किया। तेजस्वी यादव को वहां की जनता ने वोट दिया था। यदि भोला बाबू को एमएलसी का टिकट नहीं मिला तो इस बार तेजस्वी यादव का वहां से जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का मामला है, पार्टी का मामला है। पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या करती है उसका? अब वो तो कह रहे हैं कि जो नहीं बनाएंगे हम लोकतंत्र बनाएंगे, हम तेजस्वी यादव नहीं है, भोला बाबू को जानते हैं। हमारा कहना है ये राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी सिर्फ नेतृत्व का मामला है ना, सिर्फ नेतृत्व मामला है। तेजस्वी का विरोध करेंगे, इनका कहना है अगर नहीं आप इनका समर्थन करते हैं जो लोग हैं, हमारा का शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी निर्णय लेगा उसका समर्थन करेंगे। जितना जी लोकसभा चुनाव लड़े थे सिर्फ राघोपुर से 250 वोट से लीड किए हैं और सब विधानसभा वोट से हारे हैं, सिर्फ राघोपुर से 250 वोट से लीड किए हैं सिकंदर राम जी और सब विधानसभा से हारे हैं। सिकंदर राम जी कुछ साजिश कर रहे हैं क्या? ना नहीं साजिश नहीं है, नहीं तो आप राजापाकर से लेके महुआ पातेपुर सिकंदर जी को साजिश है बिना भोला बाबू को नहीं बनाने में। बिहार में चुनावी शंखनाद के बाद बीजेपी एमपी मनोज तिवारी आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी एमपी और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि वो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों और शहीद सुनील सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करने आए हैं। बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सुशांत को ऐसे खोकर हम चुप नहीं बैठेंगे, हमने भी जांच की मांग की है, जांच हो रही है। मनोज तिवारी ने कहा है कि जो भी इसके पीछे होगा वो जल्द उसका चेहरा सामने होगा। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह 34 वर्ष के थे। बड़े पर्दे पर राजपूत की आखिरी फिल्म नितेश तिवारी निर्देशित छिछोड़े थी। सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद कई तरह के कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर सुशांत ने सुसाइड क्यों किया। पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है कि सुशांत सिंह पर क्या किसी ने दबाव बनाया था। पूरे भारत ने अपना एक बहुत होनहार सितारा खोया है और आज पूरा वर्ल्ड सिनेमा सुशांत के ऐसे जाने से स्तब्ध है। कई सवाल उठ रहे हैं, किन सवालों को हम सब भी कहीं न कहीं उसमें सत्यता पा रहे हैं कि एक जब छोटे शहर का व्यक्ति बॉलीवुड में जा कर के अपनी पहचान बनाता है तो उस पर बहुत सारे संकट हैं। हम सब भी उससे गुजरे हैं, हमने उन सारी समस्याओं को झेला है, लेकिन सुशांत के साथ इस स्थिति में उसको पहुंचाने वाली वो घटनाएं क्या थीं, इसके लिए हम सब एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली कहे जाने वाले रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थामेंगे। रामा सिंह 29 जून को राजद ज्वाइन करेंगे, उनके साथ ही
स्वयं समाज से कई नेता भी पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले किसी जमाने में लालू और रघुवंश के कट्टर विरोधी रहे पूर्व सांसद रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। रामा सिंह ने रविवार की देर शाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि खबर है कि इसी महीने के 29 जून को सैकड़ों समर्थकों के साथ वह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रामा सिंह वही नेता है जो कभी लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के कट्टर विरोधी माने जाते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामा सिंह ने करीब 1,00,000 से ज्यादा वोट से रघुवंश प्रसाद सिंह को वैशाली से हराया था। रामा की तेजस्वी से मुलाकात के बाद उनके लोजपा छोड़कर राजद में जाने की खबर पर पक्की मुहर लग गई है। खबर पटना से। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले विधान परिषद के जरिए चुनाव की रणनीति सेट की जा रही है। विधानसभा कोटे की खाली हुई विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सभी दलों में प्रत्याशियों के चयन का काम लगभग फाइनल हो चुका है। राजद में यह काम लालू प्रसाद अपने तरीके से कर रहे हैं। लालू यादव तेजस्वी को अपनी विरासत सौंपने के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को करो या मरो के हालात के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि लालू यादव इस बार हर कदम काफी सोच समझ कर रख रहे हैं। विधान परिषद की खाली 9 सीटों में 3 राजद के हिस्से में आती है। कैंडिडेट्स का चयन इस तरह किया जा रहा है ताकि लालू के समाजवाद पर कोई फर्क नहीं पड़े। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। खबर सीतामढ़ी से। बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेलगाम होकर खाकी को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस बार अपराधियों ने सीतामढ़ी को निशाने पर लिया है। सीतामढ़ी में अपराधियों ने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। खबर के मुताबिक सहियारा थाना के बिलाही जयराम ने भूमि विवाद में युवक की खोदिया और ईंट से कूच कर युवक की हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में सातिर किशोर समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। भूमि विवाद में जिस शख्स की हत्या की गई है उसके परिजनों का कहना है कि आरोपी बेरहमी से बेहोश होने तक युवक को पीटते रहे। बुरी तरह घायल शख्स का इलाज करवाने के लिए परिजन अस्पताल का चक्कर लगाते रहे। उसे कई अस्पतालों से मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। वहां पहुंचने के बाद हालात बेहद खराब होने की स्थिति में उसे PMCH रेफर किया गया, लेकिन PMCH में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी किशोर पहले भी जेल जा चुका है। जिस ग्रहण को वैज्ञानिक मात्र एक खगोलीय घटना मानते हैं, उसे लेकर भारत में सदियों से धार्मिक मान्यताएं चली आ रही। इन मान्यताओं के तहत बड़ी संख्या में लोग ग्रहण में वक्त साधना में लीन रहते और अन्य जल ग्रहण नहीं करते। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे भी ग्रहण के दौरान अक्सर किसी न किसी धार्मिक स्थान पर साधना करते रहे। इस बार वह राज्य से बाहर गए थे।
रविवार को लगे सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले ही वह एक प्रसिद्ध द्वादशा ज्योतिर्लिंग पर साधना करने चले गए। धार्मिक मान्यताओं के तहत बहुत लोग ग्रहण के सूतक काल के प्रारंभ होने के साथ साधना में लीन हो जाते हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सूर्य ग्रहण लगने से एक दिन पहले शनिवार को ही देश के नामी धार्मिक स्थल पर पहुंच गए। बताया जाता है कि सूतक काल शुरू होने के साथ वह साधना में लीन हो गए। सूर्य ग्रहण के बाद उन्होंने विधिवत वहां पूजा पाठ, इसके बाद वहां से बिहार के लिए प्रस्थान कर, इससे पहले कई दफे वह ग्रहण के दौरान सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर के पास साधना करते रहे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पटना से। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण का फैलाव बेहद तेजी से हो रहा है। कोरोना अब डॉक्टरों को भी अपने जद में लेता जा रहा है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में 7 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। PMCH के 7 डॉक्टर के साथ एक टेक्नीशियन को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 7 डॉक्टरों में 5 जूनियर डॉक्टर गायनी विभाग के हैं और अस्पताल कैंपस के हॉस्टल में रहते हैं। वहीं एक 54 साल के सीनियर डॉक्टर हैं जो कंकड़बाग में रहते हैं। एक 25 साल के जूनियर डॉक्टर हैं जो अस्पताल के PG हॉस्टल में रहते हैं। वहीं 32 साल का टेक्नीशियन सरिस्ताबाद में रहता है। इनके पॉजिटिव आने से गायनी, एनेस्थीसिया और क्लिनिकल पैथोलॉजी विभाग के सभी डॉक्टर और कर्मचारियों की जाँच कराई जाएगी। इनके संक्रमण चयन का पता नहीं चल पाया। इन 7 को मिलाकर पटना में रविवार को 31 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राज्य में 162 नए संक्रमित सामने आए। इससे संक्रमितों की कुल संख्या 7,665 हो गई। कोरोना से रविवार को 5 मौतें हुई, 2 बेगूसराय, 1 पटना, 1 जहानाबाद और 1 गया के मरीज की जान गई। पटना एम्स में दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिसर विनय कुमार और जक्कनपुर थाना की होमगार्ड जवान बिंदा यादव की मौत हो गई। 44 साल के विनय जहानाबाद के मुखदुमपुर के सिमैला गांव के थे। वहीं 51 साल की बिंदा मसौडी के खरजामा गांव के थे। पटना के पहले जवान की कोरोना से मौत हो गई। विनय हार्ट पेशेंट थे और 13 जून को एम्स में भर्ती हुए। बिहार में मॉनसून की एंट्री के बाद सूबे में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पटना समेत कई जिलों 2 दिन तक झमाझम बारिश होती रहे। मौसम विभाग के मुताबिक भागलपुर, नवगछिया और उससे सटे जिलों में भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 जून से उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। इसमें शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी,
पूर्वी पश्चिम चंपारण जिले शामिल है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से 24 जून के बाद उत्तरी बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अभी तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम जिलों में अच्छी बारिश हुई है। कुछ सालों से सासाराम, अरवल, कैमूर, भोजपुर, बक्सर में कम बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसे जिले हैं जहां 200 फीसदी तक बारिश हो चुकी। सूबे में अच्छी बारिश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी हिस्से में चक्रवातीय हवा का क्षेत्र बना है। इसके साथ ही झारखंड, उड़ीसा से लेकर टफ लाइन बंगाल की खाड़ी में जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए HD News। नमस्कार।